देवांश, यस सर। बाकी के लोगों को मेरी आवाज जा रही है? आरुषि, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। आरुषि गई, चलिए ठीक। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? सर आपने पीरियड्स के ट्रेंड के बारे में बता दिया था। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। यानी ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी बता दिया था आप लोगों को, है ना? यस सर। ओके, तो देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आता है, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं हम लोग, तो डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है आपका, वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहां बात आती है आपकी मेटालिक ऑक्साइड की, मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिकली वो कैसा नेचर में होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है, बताइए जरा। आशीष, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। और नॉन मेटालिक एसिड जो ऑक्साइड जो होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। देखिए ये वही बात है आपका कि जो नॉन मेटल होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग एसिड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं कि नहीं? यस सर, यस। देखिए मैं यहाँ पे एसिड और बेस की जब बात करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एसिड और बेस, ठीक है। जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो इसका पूरा हिस्ट्री पढ़ना है हमें कि एसिड और बेस किसको कहते हैं, ठीक है। जो हमें ब्लू लिटमस को जो क्लास पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करता है? रेड। ब्लू लिटमस टू रेड में जो चेंज करे उसे हम एसिड कहते हैं, और जो आपका रेड लिटमस को, ठीक है, रेड टू किस में जाए? ब्लू में जाए, उसे क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है जो एच प्लस देता है उसे हम कहते हैं एसिड, और जो ओ एच माइनस देता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, ये H प्लस क्या है बेसिकली? ये प्रोटोन है ना। H प्लस का मतलब, H प्लस का मतलब क्या? इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं और नाइन न्यूट्रॉन है, इसको क्या कहते हैं? प्रोटोन। तो एसिड को हम लोग प्रोटोन डोनर भी कहते हैं, और बेस को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटोन एक्सेप्टर। क्या कहते हैं? प्रोटोन एक्सेप्टर कहते हैं। क्लियर है? yes. अब देखिए यहाँ पे एक और बात आता है इलेक्ट्रॉन के टर्म में, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एसिड, तो कौन डोनेट करेगा? बेस। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो क्या होता है आपका? बेस होता है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे बात आती है मेटल की, तो मेटल जो होता है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सबको पता है मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मतलब पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तभी तो पॉजिटिव आता है। यस सर। जिसके वजह से मेटल जो है वो क्या हो जाता है आपका? बेस हो जाता है। इसका ऑक्साइड जो बेसिकली होता है, ठीक है, ये ऑक्साइड कैसे बनाएगा? कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को तो वो गेन करेगा, तो ये डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, इस वजह से मेटल ऑक्साइड जो बेसिकली होता है वो क्या होता है आपका? बेसिक इन नेचर। क्योंकि अगर मान लीजिए सोडियम जो है क्या बना लिया? Na2O बना लिया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब इसको H2O में डाल के हम देखेंगे। आप लोगों को ये बात भी क्लियर है कि जब भी आपका एसिड और बेस, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है तो क्या वो अपना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करता है? नो सर। नो सर। दोबारा क्वेश्चन, अगर सॉलिड स्टेट में अगर एसिड और बेस है तो क्या वो अपना कैरेक्टर शो करेगा कि वो एसिड है या बेस है? नो सर। किसी ने बोला यस सर, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया। देखिए जैसे HCl है, HCl को अगर आप सॉलिड स्टेट में रखेंगी
ठीक है, तो ये अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ठीक है, कैरेक्टर कैसे शो करेगा, जैसे आपने मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो वहां पे ये दिखाएगा H प्लस Cl माइनस, और ये H प्लस जो होगा वो इसका क्या शो करेगा कि ये एक एसिड एसिडिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। क्लियर है? यस सर। क्लियर नहीं है? यस सर क्लियर है। अगर किसी को समझ में नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछ सकते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर आगे सुनिए। मानसी आरुषि यस सर। तो एक बात बताइए, ये बातें क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो एक बात बताइए, अगर NaCl है सॉलिड स्टेट में, जस्ट सपोज सॉलिड स्टेट में, इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं कर रहा हूँ, NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो क्या ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, हाँ या ना? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आई आशीष आपने बोला, वेरी गुड, बहुत दिनों बाद आवाज सुनाई दी आपका। NaCl सॉलिड स्टेट में होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, और ये आयंस में कब चेंज होगा, या तो आप इसको मोल्टेन स्टेट में रखिए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में रखिए, तो ये Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये चार्ज हो गया, तो इस चार्ज कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो देखिए मेरे कहने का मतलब बस यही था कि मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, एसिड बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटालिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि नॉन मेटालिक नॉन मेटल जो होते हैं, ठीक है, आपके जो नॉन मेटल होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ये। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है आपका, एसिड होता है कि नहीं? यस सर। तो इस वजह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटालिक एसिड एज फॉर एग्जाम्पल CO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके, नॉन मेटालिक हो जाएंगी, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको मेटालिक ऑक्साइड देखना है तो ये ले लीजिए आप Na2O ले लीजिए, ठीक है, MgO हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके, मेटालिक ऑक्साइड हो जाएंगे, जो कि क्या होते हैं आपके, बेसिक इन नेचर होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने एम्फोटेरिक का। यस सर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है आपका, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज एसिड बेसिक, एज फॉर एग्जाम्पल Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। चलिए मैं स्लाइड पीछे करता हूँ और यहाँ से लिखना शुरू करिए थोड़ा। मानसी आपका छूट गया क्या कुछ? इसमें देखिए अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। ये स्कोरिंग चैप्टर है, जितना ज्यादा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन जितना ज्यादा कर सकते हैं आप लोग, देखिए एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर और देयर विल बी क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें F ब्लॉक एलिमेंट या D ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिया होगा, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो होता है हमें किसमें पढ़ना होता है, जैसे S ब्लॉक एलिमेंट हो गया आपके सेकंड बुक में दे रखा है, P ब्लॉक एलिमेंट हो गया, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट हमें क्लास 12th में पढ़ना है, तो वहां से भी क्वेश्चन कभी कभी ये पीरियोडिक टेबल में डाल देता है, लाइक टेस्ट में डाल देगा या फिर कोई बुक आप उठाएंगे, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, तो उससे घबराना नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं आपके तो उसके पीछे रीजन है कि आपको हर चीज नहीं बताया गया है इसमें, मैं हर चीज नहीं बताया हूँ, मतलब कि जो एस ब्लॉक का जो डिटेल्स में होता है, पी ब्लॉक का डिटेल्स में होता है, वो उस चैप्टर में होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितने सिलेबस हैं उससे ज्यादा कवर करने की कोशिश किया, ठीक है। देवांश? यस सर। ठीक। यस सर।
ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, यस सर लिख लिया। हाँ ऐसे आप लोग बातें करते रहिएगा, बोलते रहिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा सर, लगेगा समझ में आ रहा है। ऐसे एकदम ही कोई एकदम ही चुप हो जाते हैं सारे, कोई देवांश बोलते हैं, आयुषी, आरुषि, मानसी, सबसे रिक्वेस्ट है अच्छे से कवर अप करिए आप लोग। ये स्लाइड लिख लीजिएगा तो बताइएगा, इसमें एक और चीज बताऊंगा मैं। लिख ली, लिख लिया। एक बात बताइए, ये जो बेस होता है ठीक है, ये सारी चीजें पता है कहाँ से? एक बात नहीं समझ आई सर, ये प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्यों होते हैं? ओके देखिए, यहाँ पे ये जो एसिड होता है क्या देता है? H प्लस देता है मानसी? यस सर। H प्लस का मतलब क्या होता है? प्रोटोन है। H हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट विच हैज नो न्यूट्रॉन। अब ये H प्लस दे दिया, मतलब H प्लस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो इसके पास क्या बचा? बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो बचा क्या? अच्छा, प्रोटोन बचा। yes. तो एसिड हमेशा H प्लस देता है, यानी ये क्या हो गया? प्रोटोन डोनर हो गया। एक्चुअल में होता क्या है कि थ्योरी चेंज कैसे होती है, जैसे मैंने बोल दिया कि ब्लू लिटमस को रेड में जो चेंज करेगा वो एसिड होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो नहीं चेंज करते हैं और फिर भी वो एसिड है, तो उसके लिए हमने डिफाइन किया जो एच प्लस देगा वो एसिड होगा, जो नहीं देगा वो मतलब नहीं देगा तो उसका बेस होगा या फिर कुछ भी होगा। अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो एच प्लस नहीं देते हैं, फिर वो क्या होंगे? ठीक है, तो उसके लिए प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फिर अब हर कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन अभी चल रहा है क्योंकि हर रिएक्शन में अगर किसी का मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है कि नहीं? यस सर। सर तो प्रोटॉन कैसे देयर एक्सेप्ट कर सकते हैं? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के रहते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए मानसी, ये एच प्लस है। Yes, H प्लस का मतलब इसके पास न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन के पास, प्रोटियम हाँ. के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास कितना है? जीरो, जीरो, ठीक है। इसके पास प्रोटॉन कितना है? वन। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? क्या प्रोटॉन कह देते हैं। H प्लस को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटॉन कहते हैं। ओके सर, ठीक है। तो प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। Yes, sir, वो तो क्लियर है। अब एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन डोनर लिखा हूं मैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा सर? मेटल। क्या? मेटल, मेटल करेगा, है ना? Yes, sir. क्योंकि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस बात को पता है कि नहीं सबको ये बात? यस सर, यस सर। दूसरी बात की देखिए, अब डे टू डे लाइफ में एक बात पूछता हूँ मैं, टैक्स कौन भरेगा? अगर कोई टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को तो कौन करता है? जिसके पास ज्यादा होता है वही करता है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH3, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो ये डोनेट कर सकता है कि नहीं? Yes, sir. तो NH3 एसिड होगा या बेस होगा? बेस सर, बेस। तो मेरी कहने का मतलब यही है बस, ठीक है। एंड देयर विल बी एक्सेप्शन, किसी के पास लोन पेयर होगा लेकिन वो डोनेट नहीं करेगा, समझ रही हैं आप? बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होंगे। यस सर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे। यस सर। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है अपने को। तो यहाँ पे मैंने ये चीज बता दिया कि मेटल डोनेट करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि डोनेट कौन करेगा? जिसके पास होगा, जो इजिली डोनेट कर सकता है। इजिली कौन डोनेट कर सकता है? जो रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली ऑर्गेनिक में यूज होगा आपके, ठीक है। यस सर, लिख लिया आप लोगों ने? सर ऐसा कौन सा एसिड है जो मतलब रेड ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता?
ऐसा कौन सा एसिड है जो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता? देखिए ऐसे में मतलब मान लीजिए मैंने ब्लू लिटमस को रेड या रेड लिटमस को ब्लू, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई मैंने एसिड ले लिया, ऐसे CCl4 ले लिया, जस्ट सपोज CCl4 ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक्चुअल में इसमें अब ब्लू लिटमस से रेड ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और इसमें या तो मैंने ऐसे कोई एग्जांपल ले लिया जैसे जस्ट सपोज अपने Cl2F2 ले लिया, तो ये सब नहीं करेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नहीं करते हैं, तो ये लिख लीजिए पहले आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, अब इस वाले पॉइंट को देखिए, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो आपका अपना कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें तो सबको पता ही है, ठीक है। नॉन मेटल इसमें देख लीजिए एम्फोटेरिक वाला जरूर लिखिएगा, हो गया। चलो अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, एक सवाल आता है, ये एनसीईआरटी का है, शो बाय अ केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी के सवाल भी करते जाइएगा आप लोग, केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide। अगर ये ना हो पाए तो बताइएगा, मैं खुद कराऊं। सर Na2O वाला तो हो गया, क्या आया सर? NaOH आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये मुझे पता था ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है। Na2O को अगर H2O में डालते हैं हम लोग तो ये दे देगा आपका 2NaOH, ठीक है। ऐसे yes, आपको Cl2O7 को H2O में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड दे देता है, HClO4 दे देता है, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेसिकली, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा, ये वाला रिएक्शन तो इजीली हो जाता है, और इस वाले रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अपने पास जो ग्रुप होते हैं बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैंने पहले वाला ग्रुप उठा लिया, हेलिना के रब से फरियाद वाला जो है फ्रेंसियम, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। एक ग्रुप में ना सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जस्ट सपोज इसके ऑक्साइड्स लिखना है तो ये H2O बनाएगा, ये क्या बनाएगा Li2O बनाएगा,
ये क्या बनाएगा Na2O बनाएगा, ये क्या बनाएगा आपका K2O बनाएगा, ये क्या बनाएगा RB2O बनाएगा, ये क्या बनाएगा CS2O बनाएगा। क्लियर है? तो एक ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आता है ना तो उसके ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं तो वो डिफरेंट कंपाउंड भी बना सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि H2O2 भी बनाता है, ठीक है, Na2O2 भी बनाता है, ठीक है, यहाँ पे K2O2 भी बनाता है, ठीक है, K2O2 भी बनाता है, KO2 भी बनाता है, RbO2 भी बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो होता है ना इसको हम कहते हैं ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं परऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? परऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड, और इसको हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं हम लोग? सुपर ऑक्साइड कहते हैं। हमने बचपन में क्या सीखा था? हमने यही सीखा था ना, क्लास नाइन्थ में क्या सीखा था हम लोगों ने? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी यहाँ रख देंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2O बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो उसके अकॉर्डिंग बस यही कंपाउंड बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अभी S ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि ये H2O2 भी बना लेता है, ये Na2O2 बना लेता है, ठीक है। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक और एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन की, एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, फिर भी ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन को दो की रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी ये कंपाउंड बनता है, इसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रूबीडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, अपने सिलेबस में तो लिमिटेड है, लेकिन जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरे कहने का बस यहाँ पे यही मतलब है कि एक ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, एक ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। कहने का मतलब ये है कि देयर विल बी डिफरेंस, ठीक है, लेकिन एक ऐसा होगा जो ट्रेंड सेम फॉलो करेगा, ठीक है। ओके सर। सर ये सुपर ऑक्साइड क्या करते हैं, स्पेशल होता है इसमें? नहीं, सुपर ऑक्साइड बस नाम है इसका कि एक पोटेशियम पे दो ऑक्सीजन जब लगते हैं तो इसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। ओके सर, ठीक है, हो गया? यस सर। अब यहाँ पे जस्ट कौन सा जाता है? लिथियम जी। आयुषी सर जस्ट अ मिनट, किसने कुछ बोला? ओके ओके, टेक योर टाइम। यस सर। सर डन, थैंक यू। डन, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, अपने पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है ना बेसिकली, ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है कि अभी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, उसके बाद 13th ग्रुप वाले आ जाते हैं, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या आएगा? हेलिना, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। तो ये क्या है आपका? बेसिकली ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये क्या है आपका? थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्या है ये? थर्ड पीरियड एलिमेंट है, एलिमेंट्स, और ये क्या है? सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ देखा गया कि जो लिथियम है वो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेरिलियम जो है वो एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बोरोन जो है, मतलब इनमें सिमिलरिटी है, ठीक है, और ये डायगनली है, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं हम लोग? डायगनल रिलेशनशिप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डायगनल रिलेशनशिप। क्लियर है? यस सर। अब देखिए एक चीज और आता है, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जब इस ब्लॉक पढ़ेंगे ना हम लोग तो हर ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब अपने ग्रुप में तो कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है और कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा जिसके लिए वो स्पेशल हो जाता है। जैसे लिथियम की जब बात करते हैं ना तो इस ग्रुप में,
जैसे कोई भी चीज होता है, जैसे मैंने बोला कि आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, तो इसका मतलब केमिस्ट्री में ये नहीं होता है कि उसका जो कैरेक्टर है वो 100% आयनिक कैरेक्टर है, ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि मेजर कैरेक्टर जो है, ठीक है, 90% 95% जो कैरेक्टर है वो आयनिक है, और बचा हुआ कौन सा कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फजान्स रूल वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पता चलेगा कि लिथियम जो है सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है अपने ग्रुप में, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो हर सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं, एक तो छोटा साइज होने की वजह से वो अपना थोड़ा एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे बेरिलियम कुछ अलग शो करता है, ठीक है, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन जो है कुछ अलग थोड़ा प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइट्रोजन कुछ अलग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस और अच्छे होते जाते हैं, ठीक है। बेसिकली एक्सेप्शंस आते जाते हैं, तो इनऑर्गेनिक में जितने अच्छे एक्सेप्शंस, जितने ज्यादा एक्सेप्शंस उतने अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सेप्शंस पे आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे एक होता है आपका जो एक क्वेश्चन होता है बेसिकली, एक मिनट क्वेश्चन में बताता हूँ, ये क्वेश्चन है क्या, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाई लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी। ये एक लेबोरेटरी का नाम है, एक्चुअल में इस लेबोरेटरी के नाम पे अगर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब यही है कि ये उसी लेबोरेटरी में डिस्कवर हुआ होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सीबॉर्ग्स ग्रुप। इस वाले का आंसर बहुत आसान होता है। देखिए, ये जो लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी में जो एलिमेंट प्रिपेयर हुआ था, उसका नाम होता है लॉरेंसियम। क्या होता है? लॉरेंसियम होता है, ठीक है, जिसका जेड इज इक्वल टू 103 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और लॉरेंस जो थे बेसिकली ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के नाम को ऑनर देने के लिए इसका नाम लिखा गया लॉरेंसियम। क्लियर है? यस सर। अब ये सीबॉर्ग्स ग्रुप जो है आपका बेसिकली, ठीक है, ये आपके को डिस्कवर ऑफ 10 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो सीबॉर्ग्स ग्रुप का जब बात करते हैं तो 10 एलिमेंट का डिस्कवरी किया था इन्होंने। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, प्लूटोनियम हो गया, प्लूटोनियम, ये सब अमेरिसियम होता है, अमेरिकियम या अमेरिसियम, ठीक है। उसके बाद क्यूरियम आ जाएगा, ठीक है, फिर मेंडलीबियम आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, ये एक्चुअल में याद करने वाला ही है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है कैलिफोर्नियम, ठीक है, उसके बाद आइंस्टीनियम, ठीक है, फर्मियम, फिर आपके पास आ जाएगा नोबेलियम। कितने हो गए? 8 हो गए। फिर आपके पास और भी एलिमेंट्स होते हैं, 10 के 10 होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके सीबॉर्ग्स ग्रुप का एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बर्केलियम हो गया, नोबेलियम, एंड एलिमेंट 106 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग अननिल हेक्सियम, ठीक है। तो ये सारे 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 के सारे क्या होते हैं, सीबॉर्ग्स ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसे भी लिख लीजिएगा आप लोग, कब कैसा सवाल पूछ दे 11th में, सबके लिए रेडी रहना है। शर्तन को ऑर्डर में ऐड करना है या फिर नहीं? नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इन ऑर्डर। इसको 106 वाले को ना हम लोग लिखते हैं इनके नाम पे ही है, सीबॉर्जियम, उनको ऑनर देने के लिए उन्होंने खुद दिया सीबॉर्जियम। ओके सर, हो गया। डन? यस सर। यस सर, डन। वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन इन देम, व्हाट इज कॉमन इन
इन देम, किसके लिए मैंने लिख दिया एन माइनस थ्री ओ माइनस टू एफ माइनस, ठीक है, एन ए प्लस एम जी प्लस टू एंड देन लिख दिया मैंने ए एल प्लस. व्हाट इज कॉमन इन देम, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस. एनसीईआरटी करना किस किस को पसंद है आप लोगों में से? सर फर्स्ट दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नोबल गैसेस. ओके वेरी गुड. उसको क्या कहते हैं हम लोग, मतलब ये कहना चाहती हैं कि दे ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Yes, sir. Mansi? Yes, sir. All have 10 electrons. 10 electrons. All have 10 electrons. What does it show? क्या बताता है ये आप लोगों को? Second chapter structure of atom में मैंने आप लोगों को बताया था कि when equal number of electrons जब होते हैं किसी elements compounds वगैरह के पास तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर उसमें तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स था. नहीं नहीं वो अलग चीज मैं बता रहा हूँ. मैंने वहां बताया था जब सेम इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे आइसोटॉप्स आइसोबार्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक मैंने सारी चीजें लिखवाया था. आइसो डाइफोर्स लिखवाया था, आइसोटोन्स लिखवाया था कि नहीं सबको? यस सर. Arrange them in increasing order. सबको ये पता चल गया कि ये क्या होगा आपका isoelectronic species. आप लोग assignment कर रहे हैं? Yes, sir. Assignment में doubt वगैरह नहीं आता? Sir, order will be n minus 3, o minus 2, f minus 1 and mg plus 2. Is it increasing or decreasing? सॉरी सर इट इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग में ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. आप ये कहना चाहती हैं कि ऐसे होगा यहाँ तक तो आपने ऐसे बोला था. ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा क्या ये? यस सर. और इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग करना है तो एल प्लस थ्री ग्रेटर देन एम जी प्लस टू ग्रेटर देन एन ए प्लस ग्रेटर देन एफ ऑफ फोर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, मैंने L plus 3, Mg plus 2, and then Na plus, and then F minus, and then O minus 2, and minus 3. कौन कौन लोग इस सिर्फ इसके फेवर में है कि ये आंसर सही है? मानसी, आराध्या, आयुषी नहीं आई है क्या आज क्लास में? यस सर सही है. अच्छा सही है. yes. अच्छा आयुषी आई तो देखिए मैंने एक चीज बताया था आप पे, जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा. क्लियर है? उल्टा होएगा मतलब देवांश मतलब एनायन पहले आएंगे, नायन बड़े होंगे. तो ये ऐसे ही तो लिखा होना, ये साइन पे जाइए. ओह यस सर यस साइन पे. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर क्लियर है. ओके वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग
has more negative electron gain enthalpy. पहले वाला ए में है आपका ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बी में है आपका फ्लोरीन एंड क्लोरीन. शायद पहला होगा. नहीं किस में पहला, ए और बी में? ए में किस का होना चाहिए? नहीं ये ऑप्शन नहीं, इट्स नॉट एन ऑप्शन. पहले पार्ट में ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा? ठीक है, पहले वाले का शायद फ्लोरीन होगा. फ्लोरीन होगा एंड जस्ट सेकंड क्लोरीन. ये देवांश, ये शायद क्या होता है? आपने बोला शायद फ्लोरीन ही होगा. देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लोरीन और ऑक्सीजन में. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालना है. पहला वाला जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में यहाँ देखेंगे 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन में देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1s2 2s2 2p5. तो एक बात बताइए, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा और ये कुछ नहीं अचीव करेगा. जब ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है. मतलब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस कंपाउंड, जिस मॉलिक्यूल, जिस स्पीसीज, जिस भी एलिमेंट के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो कम स्टेबल है. बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर एनर्जी ज्यादा है तो कम स्टेबल है, एनर्जी कम है तो ज्यादा स्टेबल है. तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, यानी एनर्जी छोड़ेगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी फ्लोरीन की, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा. तो बेसिकली ये गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा कि नहीं? Yes, sir. तो फ्लोरीन का जो होगा ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, और फ्लोरीन क्लोरीन में मैंने लिखवा ही दिया था आपसे कि क्लोरीन का जो होगा वो ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन की जब कंपेरिजन जब करते हैं हम लोग, तो फ्लोरीन थोड़ा क्या होता है, छोटा हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है. क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा कम होता है, तो ये फ्लोरीन से भी ज्यादा रिलीज करता है, ठीक है. और जब हम ब्रोमीन और आयोडीन पे आते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है, क्लियर है? तो मैंने ऐसे लिखवाया था आपको, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखवाया था कि नहीं? यस सर. चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए.
सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी किसने बताया? मैंने. Anyone else with option C? बताइए कोई और है option C के साथ या मैं ही बता रहा हूँ? Okay, take your time. आप लोगों का टेस्ट हुआ है एक भी? Yes, sir, C होगा. Anyone else? हो गया. एक मिनट रुक जाइए. आशीष सर होने वाले बस. आयुषी सी. मानसी यस सर सी होगा. आराध्या सर सी. कॉस्ट तो आप तो मैसेज किए होंगे चैट बॉक्स में. सी इज करेक्ट. आशीष वेरी गुड. तो देखिए बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. क्या मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है? तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा? फ्लोरीन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर बोरोन होगा. अब जो सिलिकन है वो यहाँ पे है. डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. तो बेसिकली सिलिकॉन सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे लास्ट में आएगा, सबसे कम नॉन मेटालिक होगा. तो आंसर विल बी सी. और वैसे भी सिलिकॉन जो होता है ना आपका, वो मेटलॉइड होता है. ठीक है, अभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये सेमीकंडक्टर होता है. आगे स्लाइड चेंज करूं? यस सर. यस सर. अपने पास एक और सवाल है छोटा सा. ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर बताना है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर. करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है. Sir, D. Anyone else with D? Yes, sir, D. D. D कैसे होगा? Down the group metallic character increase करता है. Left to right metallic character decrease करता है क्योंकि non-metallic character increase करता है. Yes. तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे दे रखा है. बोरोन इधर होता है, एल्युमिनियम इसके नीचे होता है, मैग्नीशियम यहाँ है और पोटेशियम यहाँ है. डाउन द ग्रुप हमारे पास जब जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है.
ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये दोनों थर्ड पीरियड एलिमेंट है और ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। तो पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग, ये तो सबसे कम होगा क्योंकि ऊपर है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी ये मेटालिक ज्यादा होगा। फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर बोरोन आएगा कि नहीं, सारे लोग इससे राजी हैं? यस सर, यस सर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अमोंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, अमोंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, द वन विच इज मोस्ट बेसिक, द वन विच इज मोस्ट बेसिक, ए जो हो जाएगा आपका ZnO दे रखा है, बी जो है आपका वो MgO दे रखा है, सी जो है आपका Al2O3 दे रखा है, एंड द डी इज N2O5 दे रखा है, N2O5। सर डी, सर MgO, anyone else? सर डी, यस सर डी, ये बोला आप लोगों ने? यस सर। N2O5? नो सर, नो सर, नो सर, सर Mg, Mg होगा, सॉरी सर, ये, यस सर, यस सर, यही है। तो देखिए बेसिकली ये क्या है, मैग्नीशियम जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये जो जिंक है आपका, ठीक है, ये थर्ड पीरियड में कुछ इधर आता है, ठीक है, जिंक। एल्युमिनियम जो है आपका इधर आ जाएगा, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में, और नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड में इधर। तो ये नाइट्रोजन जो है ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, ये तो एसिडिक होगा ना, ये क्या होगा, एम्फोटेरिक, इसका तो एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ। एम्फोटेरिक yes, क्या होता है, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब ये ZnO दोनों के दोनों मेटल है, मेटल बेसिक होता है, जो ज्यादा मेटालिक होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, तो आंसर इज बी। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है थोड़ा, और तो क्या हो जाएगा, MgO होगा कि नहीं? यस सर, ठीक है, यस सर, यही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। कभी कभी सवाल देखिए आता कैसे, कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देगा, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि आप लोगों को वैल्यू नहीं रटवाया जाता, ठीक है, और रटना भी नहीं चाहिए वैल्यू। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देवांश? यस सर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सर? सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हाँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, तो उसे क्या देते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सर ऑफ के बाद क्या लिख रखा है?
the first ionization potential electron volt, ठीक है, of beryllium Be and boron respectively are. इसके बाद जो चैप्टर शुरू होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सर डी होगा इसका जी. आंसर इज सर श्योर तो नहीं हो, बट इसका डी होगा. सर डी लग रहा है. बताइए एक बात, बेरिलियम और बोरोन में देखिए इसमें वैल्यू पे नहीं जाना होता हमें, ये बताइए बेरिलियम और बोरोन में किसका ज्यादा लगेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? सर बेरिलियम. बेरिलियम का ज्यादा होगा, तो ये इक्वल हो सकता है क्या? नो सर, नो सर, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, इक्वल तो हो नहीं सकता, और बेरिलियम का ज्यादा है तो डी हो जाएगा. होगा कि नहीं आराध्या? यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग. अपने पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग has minimum value of cation upon anion ratio. It's NaCl, KCl, MgCl2, and D is CaF. कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है. जी सर सी ऑप्शन बी हो सकता है सर, श्योर नहीं है बट सर ऑप्शन बी है. ऑप्शन सी बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं? बी, ये वाला सर केसीएल.
इसलिए। चलिए जरा ये केटायन अपॉन एनायन रेशियो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो एक चीज आप लोगों को पता है कि ये Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Mg प्लस टू Cl माइनस, Ca प्लस टू F माइनस, ठीक है। सबसे पहले केटायन का रेशियो देख लेते, केटायन का साइज होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इधर देखिए जरा, यहाँ पे केटायन जो देखेंगे सबसे छोटा कौन होगा, के सी ए प्लस टू होगा, ठीक है। सी ए प्लस टू होगा या एम जी प्लस टू होगा, सबसे छोटा इन दोनों में कौन होगा, एम जी प्लस टू और सी ए प्लस टू में छोटा कौन होगा भाई? सर एम जी प्लस टू, सर सी ए प्लस टू। आशीष एम जी प्लस टू और देवांश सी ए प्लस टू में, इन दोनों में छोटा कौन होगा? सर एम जी प्लस टू। सर एम जी छोटा होगा, सर सी ए बड़ा होगा। एम जी नीचे हो, एम जी ऊपर होता है सी ए के, ठीक है। तो एम जी प्लस टू छोटा होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, हमारे पास क्या क्या था, एम जी प्लस टू छोटा होगा, ठीक है। एम जी प्लस टू, उसके बाद क्या आएगा, सी ए प्लस टू, उसके बाद क्या था, एन ए था और के सी एल था, तो उसके बाद आ जाएगा एन ए प्लस और फिर क्या आएगा, के प्लस, यही आएगा ना? Yes. ये उल्टा लिख दिया हूं मैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, के प्लस सबसे बड़ा होगा। यस सर, क्लियर है। अब हम इसका देख लेते हैं, नेगेटिव आयन का, सीएल माइनस, सीएल माइनस, सीएल माइनस, एफ माइनस। इसमें पता है कि हमें सीएल माइनस ग्रेटर होगा एफ माइनस से, होगा कि नहीं? अब रेशियो बना लेते हैं, केटायन इज टू अनायन था ना, क्या था रेशियो में, केटायन अपॉन एनायन। केटायन का सबसे पहले Mg प्लस टू अपॉन में क्या आ जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। फिर Ca प्लस टू अपॉन में क्या आ जाएगा, F माइनस। फिर Na प्लस, फिर अपॉन में क्या आएगा, Cl माइनस। और भी कुछ है क्या, और K प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा, Cl माइनस। तो खुद ब खुद देख लीजिए ना, यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि पोटेशियम जो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा होगा तो इसका रेशियो तो ज्यादा ही आएगा। फिर Na प्लस का देखिए, जो सबसे छोटा है वो कौन है, अगर देखिए ये ओवरऑल वैल्यू, ये वाला बड़ा होगा इसमें तो ये वाला छोटा होगा सबसे, तो इसी का तो सबसे कम रेशियो, रेडियस रेशियो आएगा, केटायन एनायन रेशियो। लिस्ट ही तो पूछा था मिनिमम, yes, तो आपको पता है कि डेनोमिनेटर में इंक्रीज करता है तो ओवरऑल क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या आएगा, सब कोई बी के साथ है कि नहीं, सी के साथ, सॉरी सर सी, एम जी सी एल टू के साथ है कि नहीं, यस सर ही होगा, यस हो जाएगा। चलिए एक आपके और सवाल आते हैं, स्लाइड चेंज करूं, यस सर। तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ये वन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें आंसर दे रखा है माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी दे रखा है माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी दे रखा है आपका प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी जो दे रखा है वो दे रखा है प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बताइए। सर -5.9। मानसी, आरुष, आयुषी, सर ये नहीं हो रहा। क्या बोला आपने मानसी? ए बी सी डी में सर हुआ नहीं है क्वेश्चन। ओके ओके सर, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी ओके आरुषी। ओके कौन ए के साथ है, कौन कौन लोग ए के साथ है? सर मैं देखिए आंसर जो होगा आपका ए ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सोडियम को हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में डेल्टा एच कितना खर्च कर रहे हैं, 5.1 इलेक्ट्रॉन को, तो डालने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड जब करेंगे तो बस यहाँ पे एन ए आ जाएगा और ये जो डेल्टा एच होगा जो रिलीज करेगा एनर्जी इतना ही करेगा। निकालने में जितना एनर्जी लग रहा है उतना ही इसमें वापस रखने में उतना ही एनर्जी लग रहा है। क्लियर है? यस सर। चलो यस सर। देवांश, आशीष। यस सर। यस सर। चलो स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। एक और सवाल लिखिए जरा। Among the following, which one has the highest cation to anion ratio? A part जो है आपका CSI, B part CSF। बहुत आसान सवाल है। LIF and the D is NAF। सर CSF बी। CS सर बी CSF। वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का आया CSF? यस सर। सर बी। कैटायन टू अनायन देखना है, ठीक है, कैटायन और हाईएस्ट देखना है तो अपना कैटायन जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। यहाँ CSF, CS प्लस, CS प्लस, Li प्लस, Na प्लस, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या हूँ मैं, Na NAF लिखा, ठीक है। तो इधर देखिए अपने पास क्या है, इनमें सबसे बड़ा क्या है, CS है तो CS प्लस, और जो डेनोमिनेटर होना चाहिए एनायन वो छोटा होना चाहिए, तो यहाँ F माइनस सब में है, यहाँ I माइनस है, तो देखिए अगर इसके साथ लेंगे तो इसका कैटायन छोटा, इसका भी कैटायन छोटा, तो आंसर विल बी D। एवरीवन इज एग्री? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। Which of the following oxides
is amphoteric. Is amphoteric. SNO2, CaO, SiO2, CO. सर SNO2 क्यों होगा सर? क्योंकि SN देखिए, वेरी गुड, ये दोनों आता है ना, ये दोनों के दोनों एसिडिक होता है, ये दोनों जो होता है ये क्या होता है आपका बेसिक होता है, लेकिन SNO2 जो होता है ना एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि दोनों ये रिएक्शन जरूर लिखिएगा, SNO2 जो होता है HCl के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है SnCl2 प्लस H2, और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है SnO2 जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, और यहाँ एक सॉल्ट बनाता है आपका Na2SnO3 और प्लस में क्या दे देगा H2, इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 4HCl, तो यहाँ पे लिख देंगे 2H2O, ठीक है, तो और यहाँ पे NaOH में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक शो करता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है. यस सर, हो गया. यस, चलो स्लाइड चेंज करो. एक सवाल और, विच एक मिनट रुक जाइएगा, इस एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. इन विच, और बड़ा सा सवाल है, ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली according to the property against it HF HCl HBr HI increasing acidic strength B जो है अपने पास इसमें आ जाएगा H2O H2S H2SE H2T increasing pKa values C part. आप लोग pKa value को जानते हैं क्या? पता है क्या होता है? NH3 SH3 SBH3 increasing acidic character और डी पार्ट CO2 SiO2 SNO2 PbO2 increasing oxidizing power. ये बहुत अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन में आपके एक ही ऑप्शन में इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दे रखा है, जिससे हमारे पूरे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाते हैं, ठीक है. सर ए ऑप्शन का लास्ट में क्या है?
ए ऑप्शन क्लास एच आई एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड ओके सर हाइड्रोजन आयोडाइड पीके एक्सप्लेन कर दीजिए जी देवांश सर पीके क्या सर ये नहीं पता क्या ओके मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें लिख लीजिए हेलो नहीं हुआ मानसी नो सर समझ नहीं आ रहा चलिए इधर देखिए जरा ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये जितनी भी चीजें लिख रखा हूँ ना वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ लिखा हूँ मैं एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई ठीक है तो ये सवाल मैं ऐसे भी पूछ सकता था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा ठीक है डाउन द ग्रुप क्या होता है देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे होती हैं ठीक है कि जो एक फैक्टर जब फेल हो जाता है तो दूसरा फैक्टर लेते हैं हम लोग बात समझ रहे हैं आप लोग देवांश यस ठीक है यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है ठीक है डाउन द ग्रुप क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है या नहीं बोलिए yes, जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करना चाहिए है कि नहीं आप लोग बोलिएगा नहीं यस सर एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई ऐसे ही होता है ना फ्लोरीन क्लोरीन तो मतलब एसिडिक अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं लेकिन ऐसा yes, नहीं होता एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे कि जैसे जैसे एच और एफ क्या है छोटे छोटे मॉलिक्यूल है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके वजह से हाइड्रोजन को टाइटली होल्ड रखता है ठीक है बहुत तेजी से पकड़ा रहता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ठीक है अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा साइज जो होगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतना था
यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। तोड़ना किसको आसान है, तोड़ना किसको आसान है? सर छोटे वाले को। छोटे वाले को तोड़ना आसान है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ सबसे ज्यादा होगा। यहाँ भी क्या है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं डिस्टेंस। तो यहाँ से तोड़ना जो सबसे आसान है वो किसको है, इसको है। ओके सर, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HI, फिर HBr, फिर HCl। ये सही है कि नहीं? Yes, sir. यानी पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज एसिडिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। ये पहला हो गया। अब देखिए ये भी आप देखेंगे दूसरे वाले में H2O है, वो सही से T2 वाला है, वो सही से टी वो भी है क्या, इसमें पोलोनियम भी है क्वेश्चन में, देखिए नहीं है। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए बताइए, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर डिक्रीज। यहाँ डाउन द ग्रुप क्या हुआ? डाउन द ग्रुप यहाँ क्या हुआ, एसिड इंक्रीज किया कि नहीं? तो यहाँ डाउन द ग्रुप एसिड क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर। ये इसी वजह से हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, यानी रेडियस बढ़ रहा है, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है। क्लियर है? यस सर। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होता है। जितना ज्यादा एसिडिक उतना कम pKa वैल्यू। एक होता है Ka, ये सारी चीजें हमें कब पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम में। Ka होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। मतलब बस इतना pKa के लिए ध्यान में रखिए, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका वैल्यू pKa का उतना कम होगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक अगर ये है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, तो इसका pKa का वैल्यू सबसे कम होना चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग दे दिया है, यानी यही अपना ऑप्शन होगा, यही वाला अपना ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ pKa इंक्रीजिंग pKa वैल्यू दिया है, जबकि सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, तो सबसे कम वैल्यू होना चाहिए कि नहीं? यस सर। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ भी क्या है आपका ये वाला जो पॉइंट है आपका NH3, ठीक है, PH3, SBH3, ASH3, यही दे रखा है ना? यस सर। ASH3 पहले आएगा और उसके बाद ये SBH3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिएगा कि डाउन द ग्रुप ये H तो सब में कांस्टेंट है, डाउन द ग्रुप अगर देखें हम लोग तो ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कि नहीं? तो ये वाला तो सही दे रखा था, ये सही दे रखा है ना? यस सर, ये करेक्ट है। और ये भी आपका इंक्रीजिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, कहो सीता जी शंकर प्रभु, तो ये भी सही है। तो जो गलत है वो कौन है, वो ये है। तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन ग्रुप, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ कार्बन फैमिली। क्लियर है? यस सर। तो इसे लिख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे ट्यूजडे को, तो आप लोग प्लीज उसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक का बैकबोन कहा जाता है, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।